जोधपुर में राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 20 से 22 मार्च तक होगा एक्सपो का आयोजन। राजस्थान के हैंडीक्राफ्ट उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जोधपुर में राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 का आयोजन होने जा रहा है। यह एक्सपो 20 से 22 मार्च तक आयोजित होगा। प्रदेश की उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो प्रदेश में निर्यात के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। पूरे देश और प्रदेशवासियों से मेरा निवेदन है कि जोधपुर पधारे। ऐसा बड़ा हमारा जो इंटरनेशनल एक्सपो होने जा रहा है, हमारी यहाँ की राजस्थान की परंपरा और पौराणिक हमारे उद्योग जो धंधे हैं उनसे रूबरू होने का मौका है। आप सब पधारे, मेरी तरफ से आमंत्रित। 17 देशों से 95 और 234 इंडियन बायर्स लेंगे भाग। एक ही स्थान पर देखने को मिलेंगे अनूठे प्रोडक्ट्स। राजसिको और राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल के चेयरमैन राजीव अरोड़ा ने बताया कि एक्सपो में रूस, यूएसए, यूके, यूएई, स्वीडन, थाईलैंड, नीदरलैंड, कोलंबिया समेत 17 देशों के 95 बायर्स आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त 234 इंडियन बायर्स एक्सपो में भाग लेंगे। बायर्स उस एक्सपो के अंदर भाग लेने के लिए आएंगे। टोटल कवर एरिया के अंदर वहाँ पर 3 हैंगर लगाए गए हैं। 2 हैंगर के अंदर लगभग 4800 मीटर जगह के अंदर स्टॉल्स लगेंगे और कुल 7200 मीटर जगह को कवर करके इस एक्सपो का आयोजन करा जा रहा है। इसमें हैंडीक्राफ्ट, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग, इमारती पत्थर, टेक्सटाइल, गारमेंट्स, मेटल, नॉन फेरस मेटल, लेदर, एग्रो फूड, कारपेट और आईटी। इसके हमको स्टॉल्स के लिए हमारे पास आवेदन आए थे जिनको हमने स्वीकृत करके स्टॉल्स का डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर दिया गया है। इसके अलावा इसके अंदर बहुत अच्छे सेमिनार होंगे जिसके अंदर जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन है वो ट्रेनिंग देगा। वहाँ पे जो उद्योगपति आएंगे, जो निर्यातक आएंगे, उनको जो पैकेजिंग इंस्टीट्यूट है वो ट्रेनिंग देगा। अच्छी पैकेजिंग कैसे उसके बारे में बताया जाएगा। इंडिया अफ्रीका के बीच में कैसे व्यापार को बढ़ाया जाए उसके ऊपर सेमिनार होगा। इसके अलावा हमने REPC ने, मतलब राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने, बहुत सारे MOU करे हैं विभिन्न संस्थाओं के साथ। उनमें प्रमुख है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है कोलोराडो का, USA का, ग्लोबल बिजनेस फोरम मिडिल ईस्ट का, रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ मुंबई, इंडो अफ्रीका चैम्बर ऑफ कॉमर्स और अमेजन वेब सर्विसेज। इन लोगों के संग हमने MOU करे हैं जिससे निर्यातकों को जगह मिल सके। बहरहाल इस एक्सपो से विशेष रूप से प्रदेश के उन कारीगरों को प्रोत्साहन मिलेगा जिन्हें गांव-गांव में काम करने के बाद अपने उत्पादों को बेचने के लिए दिल्ली, मुंबई आदि महानगरों में जाना पड़ता है। इस आयोजन के माध्यम से अधिक खरीदारों तक उत्पाद पहुंचेंगे और स्थानीय उत्पादों का आकर्षण भी बढ़ेगा। खासखबर.com के लिए कैमरामैन सुरेश तानिया के साथ इंद्रजीत मीणा, जयपुर।